पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नेहरू पब्लिक स्कूल कुंदनपुर लाइन पार में समर कैंप का समापन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि उदयराज सिंह चौहान ने मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में ज्योति बंसल अनुमेश सिंह उपस्थित रहे। सभी अतिथियों का बुके और फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। समर कैंप में पेन होल्डर बनाना, स्माइल बाल सजाना, हैंड पेंट बनाना, फोटो फ्रेम, पेपर फोल्डिंग, किले एक्टिविटी, लीफ एक्टिविटी के साथ विभिन्न तरह की गतिविधियां समझाई गई। तो वहीं योग शिक्षिका ज्योति बंसल द्वारा योग कराया गया और कुमारी स्वाति के द्वारा बच्चों को आत्मरक्षा की जानकारियां दी गई। इसके उपरांत स्कूल कैंपस में बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों का अवलोकन किया गया। मुख्य अतिथि उदयराज सिंह, देवराज सिंह चौहान, उप प्रबंधक संदीप चौहान, अनुमेश मंजुल चौहान, दीपा चौहान एवं स्कूल के प्रधानाचार्य राजेंद्र सिंह ने सभी बच्चों के कार्य की प्रशंसा की। समर कैंप का मुख्य मॉडल स्मार्ट सिटी एवं नेहरू पब्लिक स्कूल मॉडल रहा। कार्यक्रम का संचालन नेहा गुप्ता ने किया। इस अवसर पर संदीप चौहान, अनुमेश सिंह, सुरेश सैनी, मंजुल चौहान, दीपा चौहान एवं समस्त स्टाफ मौजूद रहा। नेहरू पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा समर कैंप जो है उसमें भाग लिया। 3 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है और बच्चों ने यहाँ पर अच्छे से हमारे विद्यालय के देश सर्वांगीण विकास करना है और सर्वांगीण विकास का मतलब यही होता है कि पढ़ाई के अतिरिक्त बहुत सारे क्योंकि चाहे वो ग्राफ हो किसी प्रकार की दूसरे प्रकार के बॉर्डर तैयार किए हैं। यहाँ पर बॉर्डर टाउन जो है, जो हमारा यहाँ पर जो है महानगर में एक योजना चल रही है आदर्श महानगर की, इसके लिए मॉडल तैयार किया उन्होंने, नए बनावास का मॉडल तैयार किया है, विद्यालय की बिल्डिंग का मॉडल तैयार किया है। इसके अलावा अच्छे से नई कलाकारी चित्रकारी फोटोग्राफ वगैरह बनाए हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है कर रहे हैं, बड़ा उत्साह है। इतनी कम उम्र में इस तरह के जो प्रतिभा है बच्चों में देखने को मिली है, क्या कहेंगे आगे किस तरह के मुकाम तैयारी रहनी चाहिए? कार्यक्रमों से बच्चों की जो सीखी प्रतिभाएं हैं उनको निखारने का मौका मिलता है। आज बच्चों में जो उत्साह है उससे लगता है कि बच्चे आगे भी इस क्षेत्र में और आगे बढ़ेंगे। लगातार नए नए कार्य जो शोध हो रहे हैं, जो हमारी वैज्ञानिक चीजें हैं, इसको आगे प्रदर्शन करने में उनका ही मौका मिलेगा। और इसी प्रकार के बच्चे जो हैं वो कार्य करने जो है उन्होंने दिखा रहे हैं, मॉडल दिखा रहे हैं, उस प्रकार के कार्यकारी मॉडल भी दिखा रहे हैं बच्चे यहाँ पर। और बहुत अच्छा जो यहाँ पर जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं सभी प्रशंसा कर रहे हैं कि छोटे बच्चे लगातार इतना उत्साह है उनमें और इतना कार्यक्रम इतनी चीज़ें बना कर लाए हैं कि देखने योग्य प्रशंसनीय योग्य सभी इसकी प्रशंसा कर रहे हैं। कार्यक्रम किया है क्या कहें? 3 दिन का जो समर कैंप था उसमें मुझे यहाँ पर मेरे परम आदरणीय जो मेरे प्रेरणा स्रोत भी हैं श्री देवराज चौहान जी ने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया योग कराने के लिए बच्चों को। बच्चों को मैंने फर्स्ट डे से ही सूर्य नमस्कार, गति चक्रासन, मुस्कासन आदि प्राणायाम और आदि आसन और कराए थे, प्राणायाम आदि भी कराए थे और बच्चों ने बहुत ही उत्साह से उसको सीखा और 3 दिन में पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर लिया। सूर्य नमस्कार कंप्लीट हो गया और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे मॉडल बनाया है, स्मार्ट सिटी का भी मॉडल बनाया, बहुत सुंदर सुंदर बच्चों ने यहाँ पर जो पेंटिंग तैयार करी है बहुत अच्छी सीखी है। और मैं ये चाहूँगी कि बच्चों को उत्साह बढ़ने जो फ्लावर पॉट्स बनाए हैं, फोटो फ्रेम्स बनाए हैं और मटकी बहुत सुंदर सुंदर बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन के बनाए हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।